क्या आपको पता है कि हनी के बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं और वो हनी कैसे बनाते हैं? हाय, दिस इज सैमन फ्रॉम हेल्दी रूट्स। आज हम जानेंगे अनोखे 3000 साल पुराने हनी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। यस, द नेचुरल हनी मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट द कंपनीज बट द हनी बीज। क्यों पता है आपको? क्योंकि इनका लाइफ में सिर्फ एक ही मोटिव है, दैट इज़ टू मेक रियल हनी। हनी इज़ अ होल फूड कंटेनिंग शुगर्स, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, एसिड्स एंड मिनरल्स। इसी के साथ हम देखते हैं हनी की फ्रॉम बी हाइव टू ब्रेकफास्ट टेबल तक की कहानी। हनी बीज हनी बनाती हैं फूलों के नेक्टर से। नेक्टर मतलब फूलों का रस। अ वाटरी सॉल्यूशन मेड अप ऑफ द फ्लावर शुगर्स जैसे कि सक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड इसमें प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, एसिड्स एंड एसेंशियल्स ऑयल के ट्रेसेस भी पाए जाते हैं। नेक्टर को मधुमक्खियाँ डाइजेस्ट करती है विद द हेल्प ऑफ ए बी एंजाइम। इसका मतलब ये है जो हनी हम खाते हैं वो पार्शली डाइजेस्टेड होता है बाई द हनी बीज। दैट इज़ वाई हनी इज ईजिली डाइजेस्टेबल बाई ह्यूमन्स एंड इसी कारण की वजह से न्यू बॉर्न बेबीज को हनी खिलाया जाता है। हनी बी इस नेक्टर को एक दूसरे के साथ शेयर करती जाती हैं। इससे हर बी के पेट के एंजाइम्स हनी में मिलते हैं। हनी एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी का होने के बाद इस हनी को कोम में स्टोर किया जाता है। हनी को स्टोर करके वैक्स से सील करते हैं। हनी कोम में जो वाइट वैक्स सील्ड पोर्शन होता है उसमें हनी होता है। हनी मतलब हनी बीज का विंटर सीजन का खाना। बाकी के पोर्शन में सेल्स में बीज के अंडे, बी पोलन एंड बी ब्रेड होते हैं। बाय द वे, द एंटायर हनी कोम इज एडिबल बट कॉशन विद बीज वैक्स। ज्यादा खा लिया तो स्टमक अपसेट हो सकता है। सिंस हनी इज हाई इन कैलोरीज एंड ग्लूकोज, हनी को मॉडरेशन में खाना चाहिए। मैच्योर रॉ हनी इज विस्कस फ्लूइड दैट ओजेस आउट फ्रॉम द ट्री टॉप बी हाइव। ऐसे बी हाइव से बी कीपर्स बहुत संभाल के हनी निकालते हैं बिना मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए। बी कीपर्स आर यूज टू बी बाइट्स। दे क्लेम के वो कभी बीमार नहीं पड़ते। प्रोबेबली वो इम्यून हो जाते हैं मधुमक्खियों के डंग से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ देम रिमूव हनी कॉम्ब्स बिना किसी प्रोटेक्शन के। बी कीपर्स इस हनी कॉम्ब को ट्रीज से निकालते हैं। इस हनी को एक मोटी छन्नी से छान कर कैंस में भरते हैं, फिर वो जेन्युइन डीलर्स तक पहुंचाते हैं एंड देन कंज्यूमर्स के ब्रेकफास्ट टेबल तक ये हनी पहुंच जाता है। क्या आपने कभी बीज के छत्ते से निकला हुआ हनी डायरेक्टली खाया है? If yes, you will relate with me. It tastes like biting into a piece of heaven. Honey की जितनी varieties है उतने ही अलग अलग उनके फायदे भी। Proposed honey benefits सिर्फ raw honey से ही मिलते हैं, immature या फिर unstable honey से नहीं। Flowers का nectar 85-90% watery होता है। इससे bees honey में convert करके store कर देती है, stable होने के लिए छोड़ देती हैं। जी हाँ, unstable honey बहुत ही watery होता है with more than 25% of moisture. मधुमक्खियाँ पंखों को चलाकर और बाहरी गर्मी से भी हनी का मॉइस्चर अपने आप कम होते जाता है और हनी स्टेबल, मैच्योर या राइप होते जाता है विथ लेस देन 11% ऑफ मॉइस्चर। इट यूजुअली टेक्स अराउंड 30 डेज फॉर हनी टू अचीव स्टेबिलिटी एंड दिस हनी इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड कैन स्टे अप टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इनटू एग्जिस्टेंस। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑल्सो रेकमेंड ओल्ड हनी, दैट इज मिनिमम 5-year-old, टू बी यूज फॉर मेडिसिन फॉर्मुलेशन। मार्केट में अनस्टेबल हनी को सस्ते प्राइस में बेचते हैं क्योंकि ऐसा हनी जल्दी स्पॉइल होता है ड्यू टू इट्स हाई वाटर कॉन्टेंट जिसमें बैक्टेरियल ग्रोथ कैन टेक प्लेस। देर आर अदर कमर्शियली इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स लाइक रॉयल जेली, बीज वैक्स, पोलिन, प्रोपिलिस एंड बी वेनम यानी मधुमक्खियों का डंक। मधुमक्खियाँ सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ही डंक मारती हैं और डंक मारने के बाद वो बेचारी मर जाती हैं। एपिकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन इज अ ग्रोइंग बिजनेस नाउ इन इंडिया एज इट डज नॉट रिक्वायर फर्टाइल लैंड, ह्यूज इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। बीज आर नेसेसरी फॉर पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, जैसे कि सनफ्लावर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन बीज फॉर पॉलिनेशन। कई फार्मर्स प्रेफर करते हैं कि बी बॉक्सेस का उनके फार्म्स में होना क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बीज की वजह से ही बढ़ती है।
Now let's put some light on bee farming. Beekeepers जंगल में जाकर या फिर bee boxes को flowering areas में घुमाकर हनी को collect करते हैं. Bee boxes में man-made beehives होते हैं जो कि अलग अलग size के wooden frames में रहती हैं. एक बॉक्स में 8 से 9 फ्रेम्स को रख सकते हैं. इन फ्रेम्स का बेनिफिट ये है कि फ्रेम्स आर रीयूजेबल अनलाइक बीहाइव जो डिस्ट्रॉय हो जाता है हनी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में. बी फार्मिंग इज ऑन अ राइजिंग अपवर्ड ट्रेंड नाउडेज. मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग अप एज हनी डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स एटसेट्रा, और इसी वजह से इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेस रॉ हनी एंड प्योर हनी. एंड दिस इज वरीसम बिकॉज यू कैन हियर मेनी स्कैम्स रिलेटेड टू हनी. जो अब तक हम प्योर हनी समझ के खरीद रहे थे, ऑल दोज हनी फेल्ड द इंटरनेशनल NMR टेस्ट्स एंड वर फाउंड टू बी अडल्ट्रेटेड विद HFC, शुगर सॉल्यूशन, मोलासेस अप टू 70%. वो चाहे बताए या ना बताए, बट वी आर हियर टू टेल यू द ट्रुथ. अब हम बात करते हैं कमर्शियल हनी वर्सेस नेचुरल हनी की. अगर आप ध्यान देंगे तो सारे कमर्शियल हनी थ्रू आउट द ईयर सेम ही दिखते हैं और टेस्ट में भी सिमिलर ही होते हैं, जबकि नेचुरल रॉ हनी चेंजेस इन टेस्ट, कलर, टेक्सचर एंड विस्कोसिटी एज पर सीजनल फ्लोरा एंड फाउना. बी कीपर्स मूव देयर बॉक्सेस इन डिफरेंट नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू राजस्थान एज पर द फ्लावरिंग सीजन्स. जब ट्रीज और फ्लावर ही अलग अलग हैं तो हनी भी अलग ही होना चाहिए, करेक्ट? इतना ही नहीं, कमर्शियल हनी को पैस्चराइज करते हैं टू लेसन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द अनस्टेबल हनी. दिस किल्स द एक्टिव एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव कंपाउंड्स विच आर एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ. एक्सेसिव फिल्टरिंग रिमूव्स ऑल द पोलन एंड न्यूट्रिएंट्स, लीविंग बिहाइंड क्लियर हनी जो दिखने में अच्छा लगता है पर हैज नो हेल्थ बेनिफिट्स. पैस्चराइज करने के बाद हनी को अडल्ट्रेट करते हैं विद हनी लाइक मिक्सचर मेड फ्रॉम शुगर और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप और जैगरी सिरप. जैसे हमारी तबीयत कभी कभी खराब होती है, वैसे ही हनी बीज भी बीमार पड़ती हैं. तो बी कीपर्स फीड एंटीबायोटिक्स बेस्ड शुगर सॉल्यूशंस टू देम ड्यूरिंग ऑफ सीजन टू कीप देम हेल्दी. दिस हनी इज़ नॉट गुड फॉर अस बिकॉज ये सिंथेटिक केमिकल्स बीज के पेट में ही रह जाते हैं और हनी में उतर जाते हैं. दिस हनी इज़ नॉट एट ऑल क्वालिटेटिव. इस हनी को आप कितना भी कंज्यूम कर ले, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. हनी कई सदियों से इंडियन कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है और हमेशा रहेगा. तो याद रखे, असली हनी वही है जो छत्ते से निकला हो, अनहीटेड हो, अनअडल्ट्रेटेड हो एंड जिससे खाने से हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पसंद है तो आप हमारी कोल्ड प्रेस ऑयल्स पे बनी हुई प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं.